हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज फिर से हम लोग चलते हैं, शाम का टाइम है और जो है आज है सातवां नवरात्र का। तो हम लोग जो है जा रहे हैं वैष्णो माता के मंदिर और बाबू को रास्ते में आ रही थी नींद, वो नाटक कर रही थी, मम्मा मुझे नींद आई, मैंने कहा सो जाओ तब तक, और ज़रा देर का रास्ता था, बस 10-15 मिनट का, उतनी देर में वो सो भी ली। और जो है ना मेरी और मेरे मतलब बाबू की जो है ना हाँ सेम मतलब कलर वाले ड्रेस हो जाती, मतलब सेम कलर का ही हो जाता, मेरी साड़ी हो जाती उसी कलर की और उसकी ड्रेस उसी कलर की हो जाती, बस उनके डैडी का ही अलग होता है। मतलब ऐसे कोइंसिडेंट हो जाता है यही कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग सोचते नहीं कि ऐसा होगा बट हो जाता है। और जो है ना हम लोग पहुंच गए हैं वैष्णो माता के मंदिर। तो वैष्णो माता के मंदिर में ना मतलब बहुत पतली पतली रास्ता है, पूरी मतलब पूरी जो पूरा जो मंदिर है पूरा घूम के बस बस पतली 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 पतली, कहीं जीना है कहीं उतरना है कहीं चढ़ना है, बस ऐसे ही है मतलब पूरा। सो मतलब अब वो वाले जो रियल वाली वैष्णो माता है जम्मू कश्मीर वाली, वो तो हम गए नहीं हैं। तो बस माता रानी से मैंने दुआ प्रार्थना करी है कि जल्दी से आप मुझे वहाँ भी बुलाओ, क्योंकि वहाँ जाने का बहुत मन है। सो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने जो प्रसाद लिया था वही मेरी बाबू जो है ना सब जगह चढ़ा रही थी, और बाबू मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन फिर बहुत जल्दी थक भी जाती हैं कि जल्दी वापस चलो जल्दी वापस चलो। तो अभी तो ये जो है ना जो भी है जितने मंदिर थे जितने भी भगवान जी के सबकी दीवार में ही मतलब जो है मूर्ति बनी हुई थी, वहीं आप मतलब पैर छूते चलो दर्शन करते चलो और अपना फूल पत्ती जो है फूल उल वो चढ़ाते चलो। देन उसके बाद ये काफ़ी मतलब इतना सब करने के बाद में और फिर मतलब फिर टिकट होती है जितने मेंबर हैं उस हिसाब से, मतलब एक मेंबर की 5 रुपये की टिकट, मतलब कोई बहुत महंगी नहीं है। तो हम दो जनों की मतलब ले ली थी हमने टिकट, लेकिन बाद में मेरे जो हस्बैंड है ना उनको थोड़ा सा वो अंदर गए गुफा के, फिर उन्हें थोड़ा दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जा पाएंगे, उन्होंने मतलब हाथ जोड़ लिया। फिर मैंने भी बोला कि चलो माता रानी तो माफ़ करेंगी, जो नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे देखो रास्ते में सारे मतलब सब देवी देवता बने हुए हैं, हनुमान जी बजरंग बली राम लक्ष्मण, मतलब कोई भी देवी देवता बाकी नहीं है जो यहाँ पे ना हो, मतलब सभी सारे मतलब सारे देवी देवताओं की जो है यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और बहुत सारी भीड़ भी थी नवरात्रों की वजह से, वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती होगी नॉर्मल डेज में आने में, लेकिन नवरात्र की वजह से ना भीड़ काफ़ी थी। और जो है और पूरे मतलब में पूरे मंदिर में मतलब घूमने में और जो है अच्छा बहुत लग रहा था, और सारे ऋषि मुनि भी बने हुए थे सारे, मतलब कोई भी बाकी नहीं था, बहुत तो मुझे पता भी नहीं बहुत क्या मतलब बहुत सारे नहीं पता। और बीच बीच में दान पात्र जो बने हुए थे तो मेरे हस्बैंड डालते जा रहे थे उसमें, और यहाँ पे चुन्नी जो है ना मैंने बोला आप बांध दो कुछ भी मान के, क्योंकि चुन्नी बांधी जाती है आप कुछ भी मनोकामना जो है अपनी मानो और धन जब पूरी हो जाती है तब उसके बाद में जो है ना उसे मतलब याद रखा जाता है, उसे खोला जाता है, उसकी गांठ जो होती है वो मतलब खोलना चाहिए भूलना नहीं चाहिए। तो यही सब है, तो चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करिए और जो है इन्जॉय करिए। देखते हैं कि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मतलब वहाँ वाली जो वैष्णो माता है जो मेन वाली है वहाँ पर कब दर्शन होंगे। वैसे भगवान हर जगह है लेकिन वहाँ की तो बात ही अलग है, मतलब ऐसा मन करता है कि वहाँ भी जाएं। तो वह अगर जब माता रानी चाहेंगी तो हम ज़रूर जाएंगे। Yeah.
Yeah.
सो पूरा मंदिर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद, मैं थोड़ी बहुत दुकानों में बाबू ने एक दो सामान खरीदा, बाबू ने मैंने खिलौना लिया, मैंने अपने लिए कंगन लिए और फिर हम लोग जो है अब निकल पड़े अपने घर के लिए। रास्ते में भी कुछ खाएंगे जो है ना। इनसे बोल रही थी कि अंदर चलते तो अच्छा होता, मतलब बहुत सारे भगवान देवी देवता की तो मतलब मिस ही कर दिया, क्योंकि अंदर ही बहुत सारा मतलब सब कुछ था। मतलब गीता वाला जो, महाभारत वाला जो सीन था ना, जिसमें वो भगवान जो कृष्ण थे वो रथ चला रहे थे उनका, अर्जुन का, वो सारा, और विष्णु भगवान, शंकर भगवान, सरस्वती माता, एक जगह तो शंकर भगवान ऐसे मतलब बने हुए थे दीवार पे और एक कटोरा लिए हुए थे अपनी मनोकामना मान के, और उसमें कटोरे में आपको सिक्का डालना है, अगर आपका पड़ गया उसमें तो समझ लो कि आपकी जो है मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा व्लॉग ये कैसा लगा था प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।